हमारे भारत देश में 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। कैंसर एक घातक बीमारी है जिसकी पहचान और इलाज समय पर किया जाना अति आवश्यक है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को इसके लक्षणों और बचावों के प्रति जागरूक करना है ताकि लोग इस बीमारी से खुद से बच सकें। कैंसर क्या है इसके बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना वर्ल्ड कैंसर डे का मुख्य उद्देश्य है। मैं मानसिंह आप सभी को बताएंगे कि कैंसर क्या होता है। हमारी बॉडी का निर्माण सेल से होता है। हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। सेल का फॉर्मेशन बोन मैरो से होता है। हमारी बॉडी में सेल का बनना और टूटना एक निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। जब हमारी बॉडी में सेल की ग्रोथ जो है अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो हमें कैंसर हो जाता है, यानी बॉडी में आउट ऑफ ग्रोथ एज ए कैंसर। कैंसर दो प्रकार का होता है, बेनिन कैंसर और मैलिग्नेंट कैंसर। बेनिन कैंसर ये एक ऐसा कैंसर होता है जो बहुत ही छोटे समय से हमारी बॉडी में होता है, कम समय में होता है। इसे हम ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक कर सकते हैं। बेनाइन कैंसर या ट्यूमर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। इसमें मस्तिष्क, गर्दन, नाक, पेट, फेफड़े, ब्रेस्ट में मुख्य रूप से होता है। मैलिग्नेंट कैंसर एक ऐसा कैंसर होता है जो बहुत लंबे समय से हमारी बॉडी में बना होता है। ये कैंसर बहुत जगह हो सकता है। ये कैंसर बहुत डेंजर होता है। इसे हम सही नहीं कर सकते ट्रीटमेंट के द्वारा। इसका केवल रोकथाम है और हम कोशिश कर सकते हैं। कैंसर से बचाव के लिए हमें जो है धूम्रपान से बचना चाहिए। धूम्रपान करने से हमारे फेफड़े इफेक्ट होते हैं। दुनिया में फेफड़ों के कैंसर से सबसे ज़्यादा डेथ होती है। फेफड़ों के कैंसर में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो हम बॉडी में RBC रेड ब्लड सेल्स होती है वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। और जिस व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो ये सेल्स प्रॉपर रूप से कार्य नहीं कर पाती है। इससे बचने के लिए हमें जो है कीटनाशक सब्जियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना चाहिए। तंबाकू और स्मोकिंग से दूरी बनानी चाहिए। हेल्थी डाइट का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव रहने से मतलब हमें नियमित कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सूरज की तेज रोशनी से बचना चाहिए। नियमित रूप से हमें हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। और इसका जो है ट्रीटमेंट है कैंसर के लिए कीमोथेरेपी की जाती है। कीमोथेरेपी के द्वारा कैंसर सेल को नष्ट करके उसका उपचार किया जाता है। कीमोथेरेपी से कभी कभी हमारे बॉडी की हेल्थ सेल्स भी नष्ट हो जाती है। इसलिए हमारे सभी जनमानस से अनुरोध है कि हमें जो है धूम्रपान से बचाव करना चाहिए और कैंसर से बचने के लिए नियमित हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। धन्यवाद।